नमस्कार, मेरा नाम अंकित राठौर है और मैं डैलस टेक्सास में रहता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स में, और यहाँ एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। मूल रूप से मैं इंदौर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि पूरा विश्व अभी कोरोना संक्रमण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका है और यूनाइटेड स्टेट्स अभी इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमित मामलों में नंबर वन पर चल रहा है अभी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस वाला माहौल बन गया है। यहाँ पर सभी लोगों को, हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम का बोला गया है कंपनी से। काफ़ी टाइम से मतलब हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अब, और स्टे एट होम के ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ज़रूरत नहीं है तो आप घर से बाहर नहीं निकलें। एसेंशियल्स चीज़ों के लिए ही आप घर से बाहर निकलें, और वो भी डिफ़ाइन कर दी गई हैं कि क्या एसेंशियल चीज़ों में आएगा, जैसे कि ग्रॉसरीज या फिर हेल्थ इमरजेंसीज और इस तरह की चीज़ें। अदरवाइज आप सिर्फ अपने घर में ही रह सकते हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते। जैसा आप जान रहे हैं, इंडिया में भी अब कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हम लोग स्टेज टू में आ चुके हैं और संक्रमण अब लोकल में स्प्रेड हो रहा है। इनिशियली सिर्फ बाहर से जो लोग आए थे इन्फेक्ट होके वो लोग प्रभावित थे, अब लोकल ही ट्रांसमिट हो रहा है एक दूसरे से। तो इंडिया में आप लोग बहुत लकी हैं जो मोदी सरकार ने इतना बड़ा, इतना अहम और इतना ज़ोरदार फैसला लिया है 21 दिन लॉकडाउन का। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग उस लॉकडाउन का पूरी तरह से फॉलो करें, बाहर ना निकलें, ज़रूरत नहीं है जब तक बाहर ना निकलें। हम लोग भी यहाँ पर बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम लोगों ने ग्रॉसरीज ला के रखी है एक महीने की, और अदरवाइज़ कुछ चाहिए तो हम लोग यहाँ पर फैसिलिटी है होम डिलीवरी की, तो हम लोग इंस्टाकार्ट से ऑर्डर कर रहे हैं, और वो सामान जो हम ले रहे हैं इंस्टाकार्ट से उसको भी हम लोग 2 दिन तक छू नहीं रहे हैं, उसके बाद ही हाथ लगा रहे हैं। और सारी जितनी भी आपको गाइडलाइंस WHO ने दी है हैंड वॉश करने की, बाहर से आए कहीं तो अपना हैंड वॉश करें 20 सेकंड्स तक अपने फेस पे, आप बाहर निकले जितनी देर भी आपको मजबूरी में बाहर रहना पड़े घर से उस टाइम पे आप अपने चेहरे पे हाथ ना लगाएं, अगर आपके पास मास्क है तो उसका प्रयोग करें। आप लोग बहुत लकी हैं जो इंडिया में इतने स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहे हैं, लेकिन इसको सक्सेसफुल आप लोगों को ही बनाना है। अगर आप लोग इस तरह इसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये नहीं कंट्रोल हो पाएगा, और विश्वास मानिए दिस इज़ वेरी सीरियस थिंग। US में अब ये कंट्रोल के बाहर हो चुका है। US में मोर देन 80,000 केसेस हो चुके हैं अभी, जो कि चाइना से भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें कोशिश करना है कि इंडिया में ये इतना ना फैले, और इसको कंट्रोल में करें और लॉकडाउन को फॉलो करें, और अपनी जो भी आपको गाइडलाइंस दी हुई हैं उनका फॉलो करें। थैंक यू।